नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं और यह नतीजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, दोनों के लिए एक बड़े झटके की भांति रहा है। लेकिन झटका तो पप्पू यादव को भी लगा है। वही पप्पू यादव जो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे और इस बार जब उसी पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे थे तो उसमें उन्होंने राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के कई बड़े दावे किए थे। जम जकर के उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। मीडिया में आकर के उन्होंने बीमा भारती की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई किस्म की बातें कही थी। लेकिन रुपौली की जनता ने पप्पू यादव को बड़ा झटका दिया है और पप्पू यादव जो लगातार कई किस्म के दावे अपने आप को लेकर के करते हैं, उनका तमाम दावा रुपौली में फेल हुआ है। यह हम आपको यह भी बताएं कि जो रुपौली का चुनाव परिणाम आया है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहाँ पे राजद की बीमा भारती और जदयू के कलाधर मंडल दोनों को हराया है। यहाँ तक कि कलाधर मंडल तो दूसरे नंबर पर रह करके शंकर सिंह के मुकाबले कहीं न कहीं से उन्हें चुनौती देते हुए कुछ समय तक दिखे भी थे, लेकिन बीमा भारती तो रेस में पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी। और जब पहले राउंड की गिनती सुबह 8 बजे के बाद उसके नतीजे आए तो उस समय जो तीसरे नंबर पर बीमा भारती गई वह 12वें राउंड की गिनती तक भी उनकी पोजीशन में कहीं से कोई अंतर नहीं आया और जीतने वाले शंकर सिंह के मुकाबले हारने वाली बीमा भारती आधा वोट भी नहीं ले पाई। और इतना ही नहीं, कलाधर मंडल के मुकाबले भी बीमा भारती को यहाँ पे बड़ा झटका लगा और उनके मुकाबले भी वह लगातार पिछड़ी हुई रही। यानी कि पप्पू यादव जिन्होंने बीमा भारती को लेकर के वहाँ पे कई किस्म की बातें कहीं, बीमा भारती की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के अलग अलग किस्म के तमाम उनके दावे थे, उनके तमाम दावे रुपौली में फेल हुए। और यह पहला मौका नहीं है जब रुपौली में पप्पू यादव को झटका लगा है। अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उस परिणाम में भी भले ही पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की है, लेकिन रुपौली में उनको वहां पे पिछड़ना पड़ा था। दरअसल जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के मुकाबले पप्पू यादव को रुपौली में करीब 25,000 से ज़्यादा वोटों से पिछड़ जाना पड़ा था। इसके पीछे यह वजह मानी गई थी कि शंकर सिंह जो तब लोजपा रामविलास के नेता थे उन्होंने उस क्षेत्र में NDA के लिए एक बेहतर माहौल बनाया और NDA प्रत्याशी के तौर पे जो वहाँ पे जदयू के उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा उनके लिए काफ़ी काम किया, जिसका नतीजा रहा कि रुपौली में करीब 25,000 वोटों से लीड लेने में वहाँ पे संतोष कुशवाहा सफल रहे थे। और इस बार पप्पू यादव ने उन तमाम चीज़ों को लेकर के कहा था कि लोकसभा के जो परिणाम आए थे वह अलग है, विधानसभा के परिणाम अलग आएंगे। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पे बीमा भारती हैं उनके पति बाहुबली रह चुके अवधेश मंडल जो हैं उन्होंने भी अपनी पत्नी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के शुरुआती दौर में काफ़ी वहाँ पे जो राजमाइज की थी, बाद में उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे जिसके बाद अवधेश मंडल अंडरग्राउंड हो गए थे और पप्पू यादव ने वहाँ मोर्चा संभाला था। लेकिन पप्पू यादव को रुपौली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और पूर्णिया में जीत के बाद यह पप्पू यादव की एक बड़ी हार हुई है और पप्पू यादव के तमाम दावे रुपौली में फेल हो गए हैं।